मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं लीडिया गुंसालवी सिद्धार्थ नगर इंग्रजी स्कूल पीएस वार्ड से आपका सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कोरोना के वजह से 1.5 साल से लगभग स्कूल बंद है अपना, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए है। आज तुम लोग को पता ही होगा, जब भी स्कूल चालू रहता था तो अपने स्कूल में हर महीने में कौन सा तो प्रोग्राम होता ही था। उस सबसे वो प्रोग्राम में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो होता था अपने स्कूल में, वो बालक उत्सव होता था। बालक उत्सव तुम लोग को पता ही होगा, भले ये 2 साल में बालक उत्सव हुआ नहीं, लेकिन तुम लोग जब 5th और 6th स्टैंडर्ड में थे तभी तुम लोग को बालक उत्सव क्या है वो पता मालूम ही होगा। वो डांस कॉम्पिटिशन रहता है, नाट्य और नृत्य का स्पर्धा रहता है। बच्चों, बालक उत्सव में आप लोग को मालूम है कि सभी बच्चे एकदम ड्रेसअप में सज धज के आ जाते, उनके साथ उनके टीचर्स, पेरेंट्स, उनके दोस्त भी सज के स्कूल में आते। और जिस स्कूल में प्रोग्राम रहता है उस स्कूल को भी गेट से लेके हॉल तक सजाया जाता है, ये आपको सभी को पता रहता है। जब भी हॉल डेकोरेशन रहता है तो हम लोग वॉल पीस लगाते हैं, फूलों की माला लगाते हैं, रंगोली निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हॉल में डेकोरेशन होने के बाद हमारे जब भी वरिष्ठ अधिकारी आते हैं तो तभी बोला जाता है हम लोग को कि मैडम जरा हॉल हम लोग को खाली लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसमें अभी ऊपर सीलिंग में तो हम लोग वॉल पीस नहीं लगा सकते, फूलों की माला भी नहीं लगा सकते, तो हम लोग वहां पे पताका लगा देते हैं। पताका ये ऐसा सजावट की चीज है कि आप लोग किधर भी लगा सकते हैं। स्कूल के गेट पे अगर पताका लगा रहता है ना तो रोड पे से आने जाने वालों की भी पता चलता है कि ये स्कूल में आज कुछ तो प्रोग्राम है। पताका हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं, दीवार को भी लगा सकते हैं, जहाँ पे प्लेस रहे, जहाँ पे तुम लोग वॉल पीस वगैरह नहीं लगा सकते वहां यूज किया जाता है पताका। पताका ये तोरण के सिमिलर ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। अब गांव में जब भी देखो मंदिर की यात्रा होती है, ऐसा 10 दिन का ऐसा यात्रा चलती है, तभी मंदिर को सजाया जाता है, लाइटिंग किया जाता है, लेकिन जो खाली एरिया रहता है उधर पताका रहता है। यात्रा खत्म होने के बाद लाइटिंग तो निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन पताका उधर ही रहते है। 10 दिन के बाद भी हम लोग गाँव में जाते हैं या किसी मंदिर के उधर जाते हैं तो हम लोग को पताका देख के पता चलता है कि बाबा इधर कुछ तो प्रोग्राम हुआ है। पताका देखो शादियों में के शादियों के मंडप के सामने भी, मंडप के सामने सभी जगह पे लगाते हैं हम लोग। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन भी पताका का यूज करते हैं। पताका हम लोग एक तुम लोग को पताका के बारे में, अभी हम लोग पताका लगाते समय धागे को लगाते हैं तो पताका के बारे में तुम लोग आज में जो सिखाने वाली है वो पताका है, और पताका के बारे में मैं अभी बताने वाली है। अभी देखो ये पताका तो तुम लोग को तो पता ही रहेगा, ये पताका सभी जगह पे तुम लोग देखते हैं, लेकिन आज जो मैं पताका बताने वाली है वो जरा अलग टाइप के है। ये देखो ये पताका तुम लोगों ने देखा है, ये जो है इसको बोलते हैं फ्री हैंड डिजाइन। ये मैंने डबल पेपर यूज करके बच्चों बनाया है, ये फ्री हैंड डिजाइन है। अगर तुम लोग को दिवाली में शायद लगाने का रहेगा, दिवाली में कंदील के बाजू में, तो ये दिवाली के टाइम की मैंने भी पताका बनाई है। दूसरी समझो कि तुम लोग बोलेंगे कि टीचर तो सब फ्री हैंड ही बोल रही है, जो ड्राइंग सबको थोड़ा आता है, तो फिर मैंने स्केल और पट्टी यूज करके भी एक पताका बनाई हुई है। ये देखो ये स्केल और पट्टी यूज करके भी मैंने पताका बनाई है। दूसरी एक पताका जो बनाई है कि तुम लोग वो बर्थडे में, छोटी बहन का बर्थडे है तो तुम लोग वहां पे यूज कर सकते है, ये है गुड़ियों की पताका। ये देखो ये तुम लोग बर्थडे पार्टी में अगर लगाते, छोटे बच्चों को गुड़िया तो बहुत अच्छी लगती है, तो ये गुड़ियों का पताका हो गया। तो फिर छोटे लड़के लोग को क्यों नाराज करने का, तो मैंने ये भी पताका बना के बनाई है। तो आज मेरे को इसमें से जितना होता है उतना तुम लोग को बताएगी मैं। हम सब एक है ये दर्शाते हुए देखो, ये दोनों पताका मैंने ज्वाइन किया है तो हम सब एक है। अगर समझो कि खाली तुम लोगों ने क्लास में ये पताका लगाएंगे तो नारी शक्ति तुम लोग दिखा सकते हैं कि नारी। अभी आज पताका के लिए
हम लोग को क्या क्या सामान लगता है वो मैं बताने वाली हूँ। ये देखो, पताका के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कैंची। ये मेरे पास जरा डिजाइन वाली कैंची है, ये अपना कैंची रहता है, पट्टी, पेंसिल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पतंगी पेपर। पतंगी पेपर ये दोनों साइड से एक ही कलर का रहता है और ये पेपर मैं आज यूज करने वाली है, और उसके साथ फेविकॉल और सबसे जरूरी है धागा। धागा के बिना हम लोग पताका बना नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को लगाने का है। अभी मैं हम लोग पताका बनाने को चालू करते हैं। बच्चों, पताका बनाने के लिए सबसे बड़ा ये रहता है पेंसिल बनाना। तो आप बोलेंगे पेंसिल क्यों बनाने का क्या जरूरत है, फ्री हैंड है। अगर फ्री हैंड से हम लोग पताका बनाते पर वैसा ही पताका तुम लोग दूसरी बार बनाने को जाएंगे तो पताका वैसी बनती नहीं है, वो पताका वैसी बनेंगी नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि बाबा ये आधा पताका अलग कटिंग आया, आधा पताका दूसरा कटिंग आया। तो हम लोग फ्री हैंड डिजाइन के लिए भी अगर कुछ करते हैं, फ्री हैंड के लिए भी कुछ करते हैं, तो हम लोग ऐसा एक पहला एक पताका का एक जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम लोग सोचते हैं कि बाबा मेरे को ऐसा ऐसा फ्री हैंड बनाने का है, तो ये मैंने फ्री हैंड के लिए ये ऐसा कटिंग किया है। कटिंग यानी एक पेपर पे मैंने एक बनाया हुआ है। बच्चों, ये जो मार्किंग मैंने की है, ये जो छायांकित भाग मैंने जो दिखाया है, ये कभी भी याद रखने का कि क्राफ्ट में ये भाग कट होके बाहर निकलता है, भी ये भी अंदर का भाग भी कट होके बाहर निकलेगा, ये भी अंदर किसके अंदर का भी भाग कट होके बाहर निकलेगा। जब ये छायांकित भाग रहता है वो कट होके बाहर निकलता है। और ये जो बॉर्डर मैंने थोड़ा सा डार्क बताया है, यहाँ से कटिंग लाइन आती है, ये ध्यान में रखने का। क्राफ्ट में ये दो चीज रहती है, ये छायांकित रहता है, ये कट होके बाहर निकलता है, यानी अपने को जो पोर्शन मिलेगा ये इतना ही मिलेगा। जब भी तुम लोग कुछ भी बनाते तभी एक थोड़ा सा टेंसिल बनाना जरूरी रहता है। अभी टेंसिल बनाने के लिए, टेंसिल अगर बनाने का है तो टेंसिल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, देखो ये मेरे पास पुराना पुट्टा है, ये पुट्टे का मैं यूज करेगी। ये पुट्टे का यूज करके देखो, मैंने अभी ये पेपर पे बनाया हुआ है। ये पेपर पे बनाने के बाद अभी ये बाजू में हम लोग रखेंगे। जब भी तुम लोग को समझो कि पेपर लेने का है, अभी मैंने पेपर लिया है अपना पतंगी पेपर लेने का है, पतंगी पेपर मैंने लिया है। पतंगी पेपर लेने के बाद वो पतंगी पेपर को तुम लोग को कट करना है, पतंगी पेपर को कट करना है। तो पतंगी पेपर को कैसा कट करते हैं, देखो पतंगी पेपर एकदम यूज करते समय केयरफुल एकदम यूज करना है, वो कैसा भी यूज नहीं करने का है, एकदम थोड़ा सा पतंगी पेपर और जल्दी फट जाता है। तो ये पतंगी पेपर है, पतंगी पेपर को तुम लोग तीन पोर्शन में भी फोल्ड कर सकते और दो पोर्शन में भी फोल्ड कर सकते हैं। मेरे को पताका थोड़ा बड़ा बनाने का है तो मैं दो पोर्शन में फोल्ड कर रही है। दो पोर्शन में फोल्ड करने के बाद फोल्ड करके अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करो। प्रेस करने के बाद अगर पताका तुम लोग को लगता है कि हम लोग का पताका साल भर रहना चाहिए तो तुम लोग प्रिंटेड पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड पेपर को कटिंग में प्रॉब्लम आता है। ये पताका पतंगी पेपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा भी डिजाइन आप कट करते तो परफेक्ट आता है। और पताका कटिंग करने के लिए आपका कैंची बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये मैंने अभी पतंगी पेपर कट किया। पतंगी पेपर कट करने के बाद फोल्डिंग का ध्यान दो, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है फोल्डिंग, नहीं तो तुम लोग का पेपर खराब हो जाता है और प्रॉब्लम में आ जाते। तो ये पतंगी पेपर है, पतंगी पेपर को हम लोग फोल्डिंग करते समय इस तरह से फोल्डिंग करते, ये देखो फोल्डिंग एकदम इजी है, लेकिन खाली ध्यान में रखना है। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखो ये फोल्ड करने के बाद बच्चों ये है ओपन साइड, ये है ओपन साइड, ये है क्लोज साइड, ये ध्यान में रखो, यहाँ पे खुलता नहीं है। अभी हम लोग टेंसिल बनाने के लिए क्या करने का है, अभी ये हम लोग का तो हाथ से मैंने तो बना दिया है, अभी यहाँ से टेंसिल बनाने का है। टेंसिल बनाने के लिए मैंने ये पेपर इसके ऊपर रखा, ये पेपर मैंने इसके ऊपर रखा। इसके ऊपर रखने के बाद हम लोग को बराबर मेजरमेंट लेके तुम लोग को लगेगा पताका ले लिया, हाथ से काट लिया, लगा लिया, ऐसा नहीं रहता है।
अगर हाथ से काट भी लिया तो एक हाथ बार एक दो एक बार चार पता का बराबर आ गया तो दूसरा पता का अलग आता है। तो इसके लिए ये मैं टेंसिल बना रही है, ये ऐसा इस तरह से हम लोग को स्केल का यूज करके लाइन ये करने का है, ड्रॉ करने का है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको जितने नाप का वो पतंगी पेपर हम लोगों ने लिया है उसी उतने नाप का ये मैंने, और ये पेपर बॉक्स पेपर मैंने यूज किया, इतना ध्यान में रखो। ये बॉक्स पेपर जब भी हम लोग के पास केक केक भी हम लोग लाते हैं, कुछ कपड़े लाते उसमें ये बॉक्स पेपर रहता है, तो खरीदने के लिए जाने का जरूरत नहीं है, ये बॉक्स पेपर है। अभी देखो बॉक्स पेपर तो मैंने लाया, अभी तुम लोग सोचेंगे कि ये तुम लोगों ने ड्राइंग मैंने बड़ा बनाया है और पेंसिल में छोटा क्यों बना रही है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को पूरा क्या पूरा ड्राइंग इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करने का है, इसके ऊपर हाफ ड्राइंग आना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। ये देखो तुम लोग पेंसिल पूरा बनाएंगे लेकिन जब भी बनाते समय ये हाफ ड्राइंग ये पुट्ठे पे निकालने का है, पेंसिल बनाने के लिए हाफ ड्राइंग निकालने का है। तो अभी हम लोग ड्राइंग निकालते हैं, यहाँ पे देखो। दूसरी बात ये है ऊपर से मैंने लाइन खींचा है, ये 2 सेंटीमीटर के पार्ट में कुछ भी कट करने का नहीं। क्यों नहीं कट करने का? क्योंकि हम लोग को धागे पे लगाने के लिए ये पार्ट पोर्शन चाहिए। अगर यहाँ पे तुम लोग कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है कि कटिंग करने के बाद तो वो पोर्शन चिपकाएंगे कैसे तुम लोग, समझ में आया? तो इसके लिए ये पार्ट में हमें कटिंग नहीं करने का है, तो 2 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ भी लाइन खींच के लेते हैं। लाइन खींच के लेने के बाद बच्चों देखो अभी यहाँ पे जो हाफ ये मैंने ये बनाया है ड्रॉ करते समय ये यहाँ से मैंने आधा ही लिया है, तो आधा में ड्रॉइंग कर रही है, आपको दिखता ही होगा। इसको फ्री हैंड डिजाइन बोलते हैं कि तुम लोग कौन सा भी ऐसा डिजाइन बना सकते हैं कि वो फ्री हैंड तुम लोग को बनाने को कौन सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अभी देखो ये मैंने हाफ पोर्शन ही बराबर ड्राइंग कर रही है मैं। इसके बाद तुम लोग को जो चाहिए, अगर तुम लोग ये डायरेक्ट भी कटिंग करने को आता है, तुम लोग का कटिंग शार्प है तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कट करो तो भी वांधा नहीं। लेकिन एक तुम लोग को डायरेक्ट एक बार कट करने के बाद फ्री हैंड का रहता ऐसा रहता है कि वो बाद में वही चीज वापिस नहीं बनती है, समझ में आया? तो ये अपना भी मैंने टेंसिल ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ करने के बाद हम लोग कटिंग करके लेंगे। कटिंग करते समय जरा कैंची शार्प रखो और शार्प होने के बाद जरा हाथ को संभालो, कटिंग के समय थोड़ा सा हाथ को संभालो क्योंकि पताका का कटिंग शार्प आने के लिए कैंची भी अपनी अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान में रखो ये 2 सेंटीमीटर का मैंने वापिस बोल रही है कि ये पोर्शन में कुछ भी नहीं करने का है। जो डिजाइन चाहिए तुम लोग फ्री हैंड से बना सकते, खाली मैं ये क्यों बता रही है कि अगर तुम लोग को बड़े पैमाने पे पताका बनाने को बनाना है तो क्या एक पताका की लाइन अलग, दूसरे पताका की लाइन अलग, एक का सेफ अलग, वो साइज अलग, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये टेंसिल बनाना जरूरी है, और ये टेंसिल बन गया तो फिर तुम लोग को जितना चाहिए वो पताका तुम लोग कटिंग कर सकते। ये देखो बच्चों ये मेरा टेंसिल बन के रेडी हो गया है, ये टेंसिल होने के बनने के रेडी। अभी तुम लोग को समझ में आया होगा कि मैंने कौन सा पार्ट निकाला है और कौन सा पार्ट रह गया है, ये समझ में आया होगा कि ये जो छायांकित भाग है ये सब मैंने निकाला है और जो मेन टेंसिल है वो मैंने रखा है। इसके बाद टेंसिल को ये पेपर पे बराबर रखने का है। टेंसिल पे रखने के लिए ये पेपर को देखो, ये पेपर को इस ये बंद बाजू है और ये खुला बाजू है, इतना ध्यान में रखो।
ये बन बाजू से तुम लोग को देखो इस तरह से रखने का है, फिर टेंसिल को इस तरह से रखो, तो इस तरह से रखने के बाद तुम लोग को टेंसिल बनाने को पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये हाफ जो पोर्शन है ये बन बाजू से मैंने मिलाया है, हाफ जो पोर्शन है ये बन बाजू से मिलाया है, और ये जो पोर्शन है ये बाहर का पोर्शन आएगा। इस तरह से रखने के बाद आप लोग देखो पेंसिल से ड्रॉ करो, ताकि आप लोग को जितना बनाने का है उतना आप लोग बना सकते हैं। ये मैंने पेपर पे ड्रॉ कर दिया है, ये पेपर पे थोड़ा सा पेंसिल का ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन थोड़ा सा पेपर पे ये ड्रॉ किया है मैंने। ड्रॉ करने के बाद अभी इसको कटिंग कर रही है, कटिंग करते समय कैंची को जरा संभाल के भी चलाने का है, नहीं तो जो पोर्शन अपने को चाहिए वो भी कट हो जाता है। कैंची से कटिंग करते समय ध्यान में रखो जो पोर्शन अपने को चाहिए वो रखो। इस तरह से अपना जो पताका है ये हम लोग कट कर रहे हैं, बहुत सारे शेप में बहुत सारे आकार में तुम लोग कट कर सकते हैं पताका। और जिसको समझो कि ड्राइंग नहीं आता है, तो कौन सा भी हम लोग अभी ड्राइंग नहीं आता होगा तो उसका भी पताका कटिंग करके बताने वाली है। स्केल और पेंसिल यूज करके तुम लोग कैसे बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने ये पार्ट अंदर का पार्ट भी कट किया है। कट करने के बाद ये देखो ये पार्ट मैंने कट किया है। अब ये सिंगल है, अपने को अगर गेटअप कुछ चाहिए, ये मेरा सिंगल पताका बन के रेडी हो गया है। देखो ये सिंगल है, अभी मेरे को लगता है कि चलो बाबा मेरे को दूसरा भी कलर ऐसा उसके अंदर, अभी जो जैसा मैंने बताया कि डबल कलर हम लोग ले सकते हैं, और डबल कलर लेने के लिए बच्चों कलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी रहता है। कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन अगर अच्छा रहेगा तो तुम लोग का पताका भी अच्छा दिखता है। अभी मैं समझो कि ब्लू ले रही है इसके साथ, या येल्लो ले ऑरेंज लिया तो भी, येल्लो लिया तो भी अच्छा लगता है। अभी कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग पताका यूज से ये कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसा मैंने ये कटिंग किया है, अभी मेरे को यहाँ पे डबल करने का है, तो डबल का कटिंग कैसा करने का वो देखो। ये मैंने ये पेपर जैसा तुम लोग को बताया फोल्डिंग, वैसा फोल्डिंग ऐसा ही करने का है, सेम फोल्डिंग करने का है, ज्यादा कुछ फोल्ड नहीं किया मैंने, ये बीच में फोल्ड किया है और इसको इस तरह से फोल्डिंग किया है। फोल्डिंग करने के बाद थोड़ा पेपर थोड़ा सा अच्छे से जरा हाथ से प्रेस करो। प्रेस करने के बाद अभी देखो इसको मैंने डबल दिखाने का है मेरे को, तो डबल ये करने के लिए जो पताका मेरे को ये चाहिए वो देखो। अभी ये जो शेप हम लोगों ने जो कटिंग किया हुआ है, अभी ये जो शेप है तो ये शेप में हम लोग खाली बाहर का आउटर लाइन कट करने का है। ये जो शेप मैंने हम लोगों ने ये बीच का अंदर का कटिंग किया है। अगर तुम लोग को ये पताका को डबल पेपर लगाने का है तो हम लोग को आउटर शेप भी कट करने का है। आउटर शेप कट करने के लिए यहाँ पे देखो, या आउटर शेप कट करने के लिए खाली पेपर पे ऐसा रखने का,
जैसा तुम लोगों ने वो बन बाजू से इस तरह से मिलाने का है, जैसा पेपर पे रखा ये भी मैं पेपर पे रख रही है। और रखने के बाद बच्चों खाली तुम लोग को आउटर लाइन ही ड्रॉ करने का है, वहां पे अंदर के तरफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर अलग इफेक्ट फिर आएगा, तो अंदर से वो पेपर दिखेगा तो अलग इफेक्ट आता है। ये देखो ये खाली मैंने आउटर लाइन ड्रॉ किया है, तो आउटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसको भी सेम कटिंग में कटिंग करते, इसको भी सेम कटिंग में कटिंग आएगा ये, क्योंकि अपने को डबल करना है, डबल करने के लिए सेम कटिंग कर रही है मैं। ये जो पताका है वो दिवाली को कंदील के बाजू में लगाते और थोड़ा सा लाइट ये करते ना, तो इसके तुम लोग को पतंगी पेपर के बारे में मालूम रहेगा, पतंगी पेपर कंदील में मोस्टली ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज करते, कि इसमें से लाइट ट्रांसफर, ये लाइट ट्रांसफर होता है यानी लाइट आर पार चला जाता है, तो इसका जो लाइट जो बाहर जिसमें से लाइट जो आर पार आता है तभी इसका ये भी अलग लगता है, कलर शेड भी अलग दिखते है इसका। ये मैंने अभी ये कटिंग की है खाली, ये कटिंग होने के बाद देखो अभी हम लोग को डबल पेपर चाहिए, डबल करने का है, तो ये देखो ये मैंने ये कट किया है, ये कट किया हुआ मैं नीचे रखेगी कि जिसको अंदर के तरफ कट नहीं किया हुआ है, और ये जो कटिंग है ये मेरे को ऊपर रखना है। अभी देखो ये जो कटिंग है ये मैं ऊपर रखेगी, ये ऊपर के तरफ रखेगी, आया समझ में। और इसको ध्यान में रखने का कि जब भी तुम लोग गम या फेविकॉल लगाते हो, जब भी तभी ध्यान से बहुत ज्यादा नहीं लगाने का है, ये पतंगी पेपर को बहुत ज्यादा फेविकॉल लगाने का नहीं, थोड़ा सा अरेंज करके ले लो, थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा ये बाहर जाता है तो अरेंज करके ले लो, अरेंज करने के बाद तुम लोग इसको चिपका सकते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए अभी देखो यहाँ पे फेविकॉल या गम यूज कर सकते हैं तुम लोग, तो थोड़ा थोड़ा लगाने का है, क्योंकि ये पेपर को थोड़ा सा कलर भी फिर स्प्रेड होता है ज्यादा लगाएंगे तो, आराम से तुम लोग लगा सकते हैं। और दोनों पट्टियां एक ही नाप का लेते हैं ना, तो तुम लोग को अरेंज करने का भी ज्यादा टेंशन नहीं आता है, पेपर जो पेपर तुम लोग कट कर करते हैं तो दोनों पट्टियां एक ही नाप का रहना चाहिए, तो तुम लोग को पेपर अरेंज करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखो ये पताका, अभी ये पताका जो मैंने बनाया हुआ है, ये पताका तुम लोग अभी धागे पे लगा सकते हैं। धागे पे लगाने के लिए हम लोग को ये देखो मैंने बनाया हुआ तुम लोग को दिखाया था, ये धागे पे लगाने के लिए एक एक पार्ट कट करके तुम लोग लगा सकते हैं, ये जो पताका है एक एक पार्ट कट करके लगा सकते हैं, तो ये हम लोगों ने बनाया है पूरा, अभी एक एक पार्ट कट करके ये धागे पे लगा सकते हैं। ये धागे पे थोड़ा सा ये सूखने दो तो मैं लगाती है, तब तक मैं तुम लोग को दूसरा एक टाइप पताका का सिखाती है। ये पताका हम लोग थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, तो धागे पे कैसा लगा, धागे पे लगाने को आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ये जो पताका बता रही है ये राउंड शेप में है, यहाँ पे देखो ये राउंड शेप में दिवाली के समय तुम लोग लगा सकते हैं, ऐसी ये पताका है, ये तुम लोग जॉइंट भी लगा सकते हैं धागे में, धागे में इसको तुम लोग जॉइंट भी लगा सकते हैं, कट करके भी लगा सकते हैं। ये अभी ये पताका को, और इसको जो मैंने ये कटिंग किया है ये अलग कैंची से कटिंग किया है, अभी ये पताका के बारे में बताती है। ये देखो उसके लिए भी टेंसिल मैंने बनाया है, पहला टेंसिल बनाना जरूरी है, यहाँ पे देखो उसका मैंने दो टेंसिल बनाया है, दो टाइप का दो टेंसिल मैंने बनाया है, ये ड्राइंग किया हुआ है, ड्राइंग बना, ये देखो जो मेरे को चाहिए वो जो चाहिए मेरा, मेरे पास जो चाहिए वो मैं ये कर रही है, ये देखो ये ऐसा इस तरह से कटिंग कर रही है, ये इस तरह से कटिंग में कर रही है। ये कटिंग होने के बाद अभी देखो क्या करने का है,
बच्चों अभी मैं तुम लोग को दिवाली के बाद दिवाली का जो ग्रीटिंग कार्ड बना, समझो कि दिवाली के टाइम का जो बनाने का है वो मैं बता रही हूँ कि कैसा बनाने का है। तो दिवाली के टाइम के लिए देखो मैंने ये इस तरह से पेंसिल बनाया है। वो टेंसिल को अब अपने को तुम लोग को मालूम है कि अपने को आधा ही लेने का है, तो आधा लेके मैंने इस तरह से ये कटिंग करके रखा है। ऑलरेडी मैंने ये कटिंग करके रखा है यहाँ पे, ऐसा इस तरह से मैंने कटिंग करके रखा है। ये कटिंग को देखो इस तरह से मैंने ये कटिंग करके, तुम लोग को बराबर पता चलेगा कि ये सब पार्ट निकल के जाने वाला है। और ये मैंने दो पार्ट लिया है। और हम लोग अभी दो पेपर लेके और कलर कॉम्बिनेशन, बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम लोग कौन सा भी अगर कलर कॉम्बिनेशन तुम लोग का अच्छा रहेगा ना तो कोई भी देखने वाला रुक के देख के ऐसा देखता है कि बाबा कुछ तो बनाया हुआ है। तो मैंने ये अभी कलर कॉम्बिनेशन ये लिया है, दो कलर कॉम्बिनेशन लेके अभी मैं तुम लोग को फोल्डिंग तो मैंने बता ही दी है पहले ही। फोल्डिंग लेने के बाद अभी यहाँ पे देखो ये मैंने टेंसिल बनाया हुआ है। ये टेंसिल बनाया हुआ मैं यहाँ पे, जैसा तुम लोग को मैंने बोला है कि बंद साइड से टेंसिल रखना है, ये बंद साइड है मेरा और ये बंद साइड से मैं टेंसिल रखेगी यहाँ पे, इस तरह से टेंसिल रखेगी मैं। और टेंसिल रखने के बाद मेरे को ड्रॉ करने का है यहाँ पे देखो। अभी हम लोग जरा थोड़ा सा ये देखो, ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर रही है। इसको भी फ्री हैंड ही बोलते हैं। और स्केल और पट्टी, स्केल लेके जो बनाते वो प्रॉपर डायग्राम में बनाते हम लोग। इस तरह से मैंने ये बना लिया है। ये बनाने के बाद अभी देखो पतंगी पेपर कट तो फटाफट होता है लेकिन उसको संभालना भी पड़ता है कि कटिंग कैसा तुम लोग का हो रहा है, उसको जरा संभाल के भी ये करो। इस तरह से ये कटिंग करने के बाद अंदर के तरफ भी तुम लोग जो चाहिए वो डिजाइन बना सकते, कि तुम लोग डिजाइन ही बना। अगर तुम लोग को ज्यादा पता का चाहिए तो टेंसिल बनाना पड़ेगा। चलो बाबा दो तीन ही चाहिए, दो तीन लगाने का है तो टेंसिल नहीं बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर तुम लोग को देखो दो तीन तो पता का कोई बनाते नहीं है, पता का बनाने के लिए तुम लोग को एक थोड़ा सा ज्यादा पता का ज्यादा ही रहता है, तो इसके लिए टेंसिल बनाएंगे और ये ऐसा कटिंग करेंगे तो बार बार तुम लोग को ये नहीं होता है, प्रॉब्लम में नहीं आते कि बाबा एक बार तो कट गया अभी ऐसा ही कटना चाहिए तो कैसा कट करेंगे। तो इस तरह से तुम लोग फटाक से टेंसिल रहेगा तो फटाक से बना सकते। और टेंसिल रहने से क्या होता है, एक स्पीड भी आता है तुम्हारे हाथ को, एक स्पीड भी आता है। अभी मैंने तो ये बाहर का आउटर लाइन सब कट करके बनाया है। अभी तुम लोग को डबल इफेक्ट यानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खाली इतना ही रहेगा ना तो बच्चों इतना ही रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करते, जरा थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा नहीं आता है। तो अभी हम लोग डबल लगा रहे हैं। तो डबल लगाने के लिए खाली अपने को साइड का ही ये चाहिए। और तुम लोग को लगता है कि थोड़ा सा बॉर्डर बीडर लगा के लेना चाहिए, ये ऐसा इस तरह से मैंने खाली राउंड थोड़ा सा बड़ा लिया है और ये लिया है। और सेम साइज का पेपर, पेपर दोनों पेपर सेम साइज के है, दोनों पेपर सेम साइज के, ये वाला मैंने लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो तुम लोग को ये ध्यान में रखो, वापिस वापिस बोल रही हूँ मैं, ये बन बाजू से मैच करना है। बन बाजू से मैच करने के बाद तुम लोग फटाक से ड्रॉ करो इसको। मैं तुम लोग को जरा कटिंग, अलग कटिंग बताती है। यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने ये कटिंग किया। कटिंग करने के बाद अगर तुम लोग को लगता है कि हम लोग डिजाइन बनाना चाहिए तो ये डिजाइन का कैंची हम लोग लिया है मैंने अभी। ये देखो कैंची भी बहुत सारे शेप में मिलते हैं। पतंगी पेपर देखो कौन सा भी कैंची जरा थोड़ा सा कम भी धार वाला रहता है ना तो वो भी उससे भी कट जाता है। यहाँ पे देखो कटिंग के लिए, और अपने हाथ को कितना भी पत्ता का कटिंग करते तो प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से हम लोगों ने राउंड शेप में कट किया है, ये देखो कटिंग के बाद जरा आराम से थोड़ा सा खोलो, जरा फटाक से ये पेपर ऐसा निकल, ये नहीं करने का नहीं तो फट जाता है। अभी इस तरह से ये देखो, इस तरह से मैंने ये मेरे एक पेपर में चार पता का, बड़ा वाला
चार पार्ट में कट किया है। चार पार्ट कट करने के बाद अभी देखो किसके ऊपर, इसके ऊपर मेरे को ये वाला जो है ये वाला रखना है। ये देखो यहाँ पे अभी मैंने ये वाला रख के इसको चिपकाइए। मैं ये जो पताका तुम लोग को मैंने अभी अभी बताई थी सेम यहाँ पे रख के, ये देखो कलर कॉम्बिनेशन जितना अच्छा रहेगा उतना तुम लोग का पताका का गेटअप भी अच्छा आता है और अब बहुत अच्छा आता है। समझ में आया? इस तरह से अभी मेरे दूसरा एक जरा मेरे को बताने का है, इसके लिए इसको मैं चिपका नहीं रही है, लेकिन इस तरह से तुम लोग का गेटअप आएगा। तभी अभी मैंने हम लोगों ने जो बताया ना ये पताका, यही पताका मैंने तुम लोग को कट करके बताइए, यही पताका कट करके बताइए। ये देखो ये ऊपर येल्लो डाला था मैंने, नीचे ये डाला था। अभी देखो ये येल्लो डालने के बाद का गेटअप देखो, और ये जो मैंने अंदर ये ऊपर जो रानी कलर डाला है और इसका गेटअप देखो, ये देखो यानी हर पेपर का कलर कॉम्बिनेशन लेते समय भी तुम लोग का गेटअप अलग अलग आना चाहिए। अभी इसको हम लोग रखते हैं, और सबसे बच्चों को प्यारा जो लगता है वो गुड़ियों का मैं तुम लोग का कटिंग बताती है, ये गुड़िया गुड़ियों का कटिंग कैसा बनाते वो बताती है मैं। गुड़ियों के लिए भी पेंसिल यूज करने का जरूरत रहता है, गुड़ियों के लिए भी तुम लोग कैसा ड्रॉ, ये देखो मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया है इस तरह से, गुड़िया पूरा गुड़िया इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो ये हाथ को बिल्कुल कट नहीं है, बाहर तक ऐसा लेके गई है इसको। ये कटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी रहता है। अभी देखो मैं गुड़िया की पेंसिल तुम लोग को बता रही है, ये देखो मैं तुम लोग को बोलते पेंसिल हाफ पार्ट का ही बनाने का है, इस तरह से मैंने हाफ पार्ट का पेंसिल बनाया है। ये देखो इस तरह से हाफ पार्ट का मैंने पेंसिल बनाया है, ये तुम लोग को यहाँ से देखो अच्छे से दिखता होगा। यहाँ पे देखो ये हाफ पार्ट का टेंसिल बनाया है। टेंसिल जब भी बनाते हैं तभी हाफ पार्ट का ही बनाने का है, फुल पार्ट का बनाने को जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो ये फोल्डिंग वाला जो पेपर है वही पेपर लिया है और टेंसिल रखा है, क्योंकि ये सब बच्चों को अच्छा भी लगता है और बहुत घर में भी तुम लोग लगा सकते हैं, बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन करने के लिए लगा सकते हैं। अभी गुड़ियों का हाफ पार्ट में डेकोरेशन, और इसका सर चिपका हुआ रहेगा, नहीं तो गुड़िया तुम लोग का रहेगा ही नहीं, सर चिपका हुआ रहेगा, पहला सर चिपका हुआ रहेगा, ध्यान में रखो। और इसको मैं आउटर लाइन बता रही है, यहाँ पे देखो अभी तुम लोग को इसमें छोटा साइज भी चाहिए तो छोटा साइज भी तुम लोग बना सकते हैं, और धागे पे लगाने के बाद तुम लोग कहाँ भी लगा सकते हैं इसको। पीछे से अगर कट कर करते तो पैर थोड़ा अलग अलग हो जाता है। पताका का तुम लोग बहुत सारे टाइप में पताका काट सकते हैं, बहुत सारे टाइप में आएगा, खाली थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है कि पताका काटते समय थोड़ा ड्रॉ करते समय थोड़ा सा तुम लोग इमेजिन करेंगे, और डायरेक्ट पेपर पे नहीं काट के पहला प्रैक्टिस तुम लोग न्यूज़पेपर पे करते तो बहुत बेहतरीन पताका कट कर सकते तुम लोग। और तुम लोग को लगता है कि ये पताका क्या ले लिया और काट लिया, तो नहीं बच्चों, इसमें भी थोड़ा सा हाथ में कला होना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए कि किस कैसा किस तरह से काटना है और क्या काटना है, तो थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करने के बाद ये काट सकते हैं। और ये देखो अभी ये गुड़ियों का पताका रेडी हो गया। तुम लोग महिला दिन के लिए, महिला दिन के तौर पर जब भी क्लास में अगर रहते तो सेलिब्रेशन करते हैं तो महिला दिन के लिए भी लगा सकते हैं। खाली एक पता दो तीन लाइन पताका का अगर लगा दिया बच्चों तो तुम्हारा क्लास पूरा डेकोरेशन हो जाता है पूरा। अभी ये दूसरी जो मैंने एक बनाई हुई है ये छोटे साइज में, देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि
धागे में भी तुम लोग लगा सकते हैं। तो ये छोटे साइज में मैंने भी लगाया है, ये धागे पे लगाई हुई है, ये छोटे साइज का भी बनाया हुआ है, ये छोटे साइज का बनाया हुआ है, ये बड़े साइज का बनाया है। अभी हम लोग धागे में कैसा पटाखा लगाते हैं ये तुम लोग को, ये स्केल और पेंसिल से बनाया हुआ है, तुम लोग बोलते हैं कि टीचर सब इसका ही बता रही है, फ्री हैंड ही बता रही है, ये फ्री हैंड नहीं है। अभी ये टेंसिल इसका बनाया हुआ है, इसका भी टेंसिल बनाना पड़ता है, लेकिन तुम लोग जिसको फ्री हैंड अरेंज नहीं होता है तो ये तुम लोग पहला ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद तुम लोग एक टेंसिल बनाने का जो भी तुम लोग के मन में है तो उसका पेपर ले, पेपर पे तुम लोग ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से टेंसिल बनता है, और टेंसिल बनने के बाद तुम लोग ये कटिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग ने 1 2 3 4 5 ये पंचकोण लिया है, ये देखो ये दो षटकोण लिया है। तो षटकोण के लिए तुम लोग पहले ड्रॉ करो कौन सा साइज में ड्रॉ करने का है, वो ड्रॉ करके फिर बाद में तुम लोग कटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद में कट करने का है। तो अभी इसके लिए टेंसिल बनाओ, टेंसिल बनाने के लिए अभी इसको मैं टेंसिल बनाने को बनाती नहीं है, ये डायरेक्ट तुम लोग को मैं कटिंग बताती है कैसा करने का, डायरेक्ट ड्रॉइंग बताती है इसके ऊपर कैसे ड्रॉइंग ड्रॉ करते हैं, स्केल और पेंसिल लेके डायरेक्ट ड्रॉइंग ड्रॉ कैसे करते हो बता रही है। अभी तुम लोग को स्टार्ट में देखो 2 सेंटीमीटर पे छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर पे मैंने छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर के बाद तुम लोग को इसका 6 पार्ट बनाने का है। तो इतना परफेक्ट या ऐसा कुछ जरूरत नहीं, तो हम लोग पेपर देख के भी, क्योंकि अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड में है तो इतना तो परफेक्शन होता ही है कि पेपर देख के भी हम लोग बना सकते हैं, पेपर देख के भी हम लोग कट कर सकते और बना सकते हैं कि कैसे ये साइज में आता है। यहाँ पे देखो अभी मैंने क्योंकि सब तुम लोग बोलेंगे कि टीचर फ्री हैंड दिखा रही है तो मैं इसके लिए इसको जरा अलग टाइप में ये बता रही है। ये देखो ये त्रिभुज विभुज में काट के भी बना सकते हैं, लाइन सीधे लाइन में इस तरह से मैंने ये स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाया है। टेंसिल बनाओ, अभी मैंने तो डायरेक्ट कटिंग किया, डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते है, और आपको लगता है कि ये मेरा बन गया है तो अंदर भी तुम लोग इसके अंदर कट कर सकते हैं कौन से भी साइज में, तुम लोग को फ्री हैंड, अभी मैं सीधा लाइन मार रही है, फ्री हैंड आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, अभी डायरेक्ट लाइन से मैं कट कर रही है। मैम इसको लास्ट करो। हाँ ओके सर। ये देखो इस तरह से मैं ये सब फ्री हैंड से बना रही है, और दूसरा देखो मैंने बहुत सारा बना कटिंग किया हुआ है, ये देखो ये सब कटिंग किया हुआ है, ये भी देखो ये स्केल और पेंसिल का यूज किया, स्केल और यूज किया, ये फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड है, और लास्ट में अपने को सभी पता का इस तरह से धागे में लगाने का है, और धागे में लगा के आप लोग कितना भी लंबा इसका ये बना सकते हैं और कितने भी लंबाई में ये लगा सकते हैं और डेकोरेशन कर सकते हैं। दिवाली में करो या कौन से भी करो, या यहाँ दशहरे में भी डेकोरेशन करते हैं और कटिंग करने का बारी आता है तो तुम लोग शायद कट कर सकते हैं इसका यूज करके। ये देखो ऐसा इस तरह से धागे में लंबा लंबा लगाओ, नहीं तो इसको पास में लगाओ, जॉइंट रखो, कौन से भी टाइप में पता का रहेगा चलेगा। ओके थैंक यू बच्चों। आई होप कि तुम लोग अभी ये कुछ आपका सवाल वगैरह है क्या? हेलो